बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। बता दें कि जांच के दौरान 80% शिक्षकों का CTET में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी कि उन्हें CTET में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास और खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि फर्जी शिक्षकों से सरकार दिए गए वेतन की भी वसूली करेगा। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी मिली थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 अभ्यर्थियों की 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग की गई थी। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। 42,000 में 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया था। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई उनको छठ के बाद फिर से मौका मिलेगा। सीतामढ़ी में जांच के दौरान नियोजित 7 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ जालसाजी, सबूत को छिपाने सहित अन्य मामलों में केस दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।